नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कल के लिए सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाया, इसलिए कल मैंने एक स्पेशल काम किया है अपने खेतों पर, वो आप लोगों को एक दो दिन में दिखाऊंगा, इसलिए दोस्तों मैं कल पूरे दिन व्यस्त रहा। आज की खबर यह है दोस्तों, एक कोल्ड स्टोर में से गैस का रिसाव होने की वजह से अमोनिया गैस का आलू के खेत हमारे यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। अब किसान भाई मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, देखूँगा क्या पोजीशन है वहाँ पे खेतों की। अभी थोड़ी देर में वीडियो ये भाव का डालकर, और आप लोग निश्चिंत रहा करें, भाव का वीडियो डेली ही आता है मेरा, और भाव के कभी एक दिन अगर मिस हो जाए तो ये ना सोचें कि मैं भाव का वीडियो नहीं डालूंगा। कल बहुत को किसान परेशान रहे, फ़ोन करते रहे, शर्मा जी भाव बताना मत बंद करना, हमारे पास आलू रखे हुए हैं, और नए लोगों, नए जो आलू खुदाई करते हैं उन लोगों को भी फ़ायदा है। फरुखाबाद में कैसे होता है मंडी में, जो कच्चे खुद की आलू आ रहा है उस मंडी में कैसे हो रहा है किसानों का शोषण, उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को आलू के भाव से अपडेट तो मैं करता ही हूँ दोस्तों, पर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जब भी मैं वीडियो डालूँ आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फरुखाबाद मंडी की। फरुखाबाद मंडी में दोस्तों स्थिति क्या रहती है पता है आप लोगों को? जैसे हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर पर आलू बिकता है 52 किलो 500 ग्राम, ठीक है, 52 किलो 500 ग्राम जैसे वजन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मतलब ये कि उसी हिसाब से पैसे लगते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ 52 किलो 500 कोल्ड स्टोर पे की आपकी जो बिक्री है उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, वहाँ मंडी का हिसाब अलग है, वहाँ 53 किलो के हिसाब से आलू बिकता है। अगर 55 किलो किसान आलू लेके आएगा तो उसको 53 किलो के ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर 55 किलो अगर बोरी में भी आलू आएगा तो उसको 53 किलो के ही पैसे मिलेंगे आप, ठीक है। और 53 किलो से अगर कम हो गया आलू, अगर 53 किलो से बोरी में आलू अगर कम हो गया दोस्तों, तो आप ये समझ लेना तो उसको पैसा काट के मिलेगा, मतलब बढ़ती अगर आलू आ रहा है तो उसको उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। भाई 53 किलो ले रहे हो आप, अगर 55 किलो किसी किसान का आलू आ गया तो आप उसी हिसाब से फिर 55 किलो का उसको पैसा देना चाहिए किसान को, बड़े माल तो आपको उतना ही मिल रहा है ना। और अगर आप अब उसमें से घट जाता है अगर आलू, ठीक है, अगर आपने एक फिक्स प्राइस कर दिया और उसमें से अगर कम हो रहा है, 53 किलो की आप तो ले रहे हैं, अगर 50 किलो आलू आ रहा है तो आप पैसा क्यों काटते हो उनका? जब बढ़ती जब आ रहा है 2-3 किलो तो उसका आप लोग पैसा नहीं दे रहे हो, तो जो घट रहा है तो उसका पैसा लेने का आप लोगों को क्या हक है? तो दोस्तों मैं वहाँ के जो भी प्रशासन है अगर मेरे से जुड़े हुए हों और जो भी मेरे किसान जुड़े हुए हों, इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए, आप शिकायत करें, जिला अधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत करें, SDM जो हैं उनके यहाँ शिकायत करें, मंडी सचिव से शिकायत करें, मंडी सचिव तो दोस्तों कहीं सुनते नहीं है किसी की, SDM साहब, DM साहब इनसे शिकायत कर सकते हैं आप लोग, तो उससे क्या होगा दोस्तों आप लोगों की कहीं सुनवाई हो सकती है। और जो बिक्री होती है वहाँ का सिस्टम ज़्यादा ठीक नहीं है, शायद मैंने आप लोगों को सही समझाया हो, अगर कोई गड़बड़ की हो तो मेरे को कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी दोस्तों कोई भी कहीं भी किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं, अगर एक टूथपेस्ट भी आता है तो उस पर MRP लिख के आती है, और आराम से जाकर वो मार्केट में कोई भी जाकर चुपचाप उसको खरीद ले जाता है, ठीक है, ना उसको किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती, ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ती, डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को दे दिया, डीलर अपना आराम से बेच देगा। किसान अगर खेती में अपना मेहनत कर रहा है और दिन रात घिस रहा है और उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी चीज़ क्या रेट बिकने वाली है मार्केट में, ठीक है। कौन अब भैया, और 2022 लोग सोशल मीडिया को मजाक में ले रहे थे, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस साल 2022 में आलू के जो रेट स्थिरता रही, आलू के रेट चलते रहे। दोस्तों मैं बता देता हूँ, गुल्ले भी आप जो समझ रहे हो, गुल्ले किर्री की स्थिति खराब रही, अब उसका क्या कारण रहा है वो कारण बाद में देखा जाएगा। बाकी हमारे यूपी के सिर्फ और छट्टा आलू के रेट बार बराबर ही रहे, 800 रुपये 900 रुपये बिकता रहा है। गुल्ला भी 200 बीच में 700 रुपये तक बिका, अब 200 रुपये 250 रुपये और 170-180 रुपये भी बिके हल्के गुल्ले, ठीक है। और किर्री की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही, बाकी दोस्तों आलू बढ़िया रेट बिका, कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो किसानों को पैसा मिला, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये बहुत अच्छी दोस्तों व्यवस्थाएं रही, और कहीं भी किसान का नहीं शोषण होना चाहिए। कानपुर मंडी की बात करें तो दोस्तों कानपुर मंडी भी, हमारे यूपी की मंडियाँ तो पूरे देश में मतलब बढ़िया रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब पता नहीं क्या लोगों के मन में रहती है, अपने क्षेत्र का नाम करने में लोगों को बुरा लगता है, जब नाम होना चाहिए भाई, बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी नहीं है, और मंडियाँ नहीं काम करती हैं क्या? तो बात करें दोस्तों सबसे पहले गुवाहाटी की, और फिर बात करेंगे बंगाल की निकासी के बारे में थोड़ी सी, बंगाल में अब कितना आलू कोल्ड स्टोर में बचा है। तो सबसे पहले बंगाल की बात भी कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे आलू के भाव, फटाफट बता दूंगा आप लोगों को क्योंकि मेरे को ज़रा जाना है, काम है बहुत ज़रूरी। तो बंगाल में दोस्तों ये है हुगली, मिदनापुर, बांकुरा और बर्धमान और बीरभूम, मुर्शिदाबाद, हावड़ा और नॉर्थ बंगाल, ये यहाँ के भाव हैं दोस्तों। तो बात अगर हम करें ना, तो आप ये समझिए कि
टोटल अनलोडिंग जो हुई थी यहाँ पे हुई थी लगभग 12,65,00,000 और 73,106 कट्टे की, और अब तक जो 30/11/2022 तक निकासी हो चुकी है 10,44,36,099 की। तो ये बैलेंस लगभग बचा है 17.45% कोल्ड स्टोरों में आलू, बंगाल की बात करें दोस्तों ये तो 17.45% वहाँ पे आलू बचा हुआ है, लगभग 2,20,87,007 बैग कोल्ड स्टोरों में बंगाल में इस समय बचे हुए हैं। तो दोस्तों अगर निकासी की वैसे बात करें तो बंगाल की आप लोगों ने निकासी का मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर खंड खंड करके बात करें तो हुगली में बचा है आलू 81.63% और रनमा मतलब निकासी हो चुकी है, सॉरी बचा है नहीं तो एकदम लोग गबड़ा जाएंगे। और मिदनापुर में निकासी हो गई है 77.88%, बांकुरा में हो गई है 76.88%, बुर्दवान में हो गई है लगभग यानी 84.48%, और बीरभूम में हो गई है 86%, और मुर्शिदाबाद में 88%, हावड़ा में हो चुकी है 78.66%, और नॉर्थ बंगाल में 90% आलू निकल चुका है। ये थी दोस्तों बंगाल की निकासी की रिपोर्ट। बात करें गुवाहाटी मंडी की तो गुवाहाटी आज बिकी है 17-18 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी आलू 15-16 रुपए किलो, फरक्काबाद का जो रैक का आलू है वो बिका है 12-13 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का 10-11 रुपए किलो। बंगाल का आलू दोस्तों बिका है 11.5-12 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का 9-10 रुपए किलो। बात करें जोधपुर की तो जोधपुर में जो नए आलू की 3-4 गाड़ी हैं और एक्स्ट्रा सुपर नए आलू बिके हैं 14-15 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी के 12-13 रुपए किलो। बात करें एक्स्ट्रा सुपर आलू दोस्तों जोधपुर में तो 11-12 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 9-10 रुपए किलो। बात करें चेन्नई की तो चेन्नई की में लगभग 15 गाड़ी हैं, और चेन्नई का जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है वो बिका है 24-25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 22-23 रुपए किलो। लगभग 15 गाड़ी आगरा की हैं, कोलार की 20 गाड़ी हैं, और एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके 28-30 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 25-26 रुपए किलो। बात करें दोस्तों बेंगलोर मंडी की तो बेंगलोर में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं 22-23-24 रुपए किलो, लगभग 23,000 कट्टे आगरा के हैं, हल्की क्वालिटी के 20-21 रुपए किलो। बात करें दोस्तों मुंबई मंडी की तो मुंबई में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 17-18 रुपए किलो बिके हैं कोल्ड स्टोर वाले, हल्की क्वालिटी के 15-17 रुपए किलो। बंद कोल्ड स्टोरों के लूज आलू खराब आलू 10-14 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं 7-10 रुपए किलो, और एमपी का ज्योति बिक रहा है 22-23 रुपए किलो, और नया जो एमपी का जो पुखराज नया चलने लगा है वो खुदरा है वो 20-22 रुपए किलो, और गुजरात के हाइब्रिड पुराने आलू बिक रहे हैं 5-9 रुपए किलो। बात करें फरक्काबाद की तो दोस्तों 15 मोटर की आ जा रहा है, वहाँ पे एक्स्ट्रा सुपर आलू 700-711 रुपए बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 600-650 रुपए बिके हैं, और ये कैसे बिक्री होती है वो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। बात करें दोस्तों जलंधर दिल्ली आज़ादपुर की मंडी की तो दिल्ली आज़ादपुर में जो जलंधर का नया आलू आया है वो बिका है 800-850 रुपये 50 किलो की तोल शुगर फ्री, और संभल यूपी का 800-850 रुपये बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 700-750। एक्स्ट्रा सुपर जो पुराने आलू की अगर हम बात करें तो जो 37-97 एक्स्ट्रा सुपर वो बिका है 700-800 रुपये 50 किलो, और हल्की क्वालिटी का 37-97 550-600 रुपये, और एक्स्ट्रा सुपर जो 84 के दोस्तों चिप्सोन है वो 800-900 रुपये, और हल्की क्वालिटी के जो आगरा अलीगढ़ के चिप्सोन है वो 700-800 रुपये, और एक्स्ट्रा सुपर जो सूर्य है दोस्तों BBIP वो 1,000-1,100 रुपये बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का सूर्य 900-1,000 बिक रहा है। बात करें कानपुर मंडी की दोस्तों तो कानपुर मंडी में तो बराबर चल ही रहा है, जो चल रहा है सो 50-60 गाड़ी होंगी टोटल, और लगभग 20-30 हज़ार कट्टे नए के बताए जा रहे हैं। गुल्ला बिक रहा है BBIP 5-6 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 3-4 रुपये किलो, मोटे बिक रहे हैं 9-10 रुपये किलो, बढ़िया आलू मोटे बिक रहे हैं 12 रुपये किलो तक भी बिक जाता है दोस्तों, पर वो अब आप समझ सकते हैं। और हल्की क्वालिटी का दोस्तों बिक रहा है 7-8 रुपए किलो, और हॉलैंड बिक रहे हैं 12-13 रुपए किलो, और यूपी का आलू बिक रहा है मतलब नया वाला यूपी का 14-15 रुपए किलो बिक रहा है। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली कोलंबा की तो बहुत से लोगों ने कही कह रहे शर्मा जी ये कोलंबा ओलंबा ये वैरायटी नहीं चलती है, ये वैरायटी तो यहाँ अपने खंदौली और आगरा में तो 37-97 चलता है। मैंने ये कही, मैंने कि एक बार बताओ आलू हम लोग पैदा करेंगे तो तय खाने वाले मतलब आलू अगर हम लोग पैदा करेंगे तो मंडी में आड़ती है ये वो आड़ती है तय करेंगे कि कौन सा आलू हमको वहाँ मंडी में भेजना चाहिए, बताओ आप मुझे। ये आज मैं कम में आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आलू हम लोग मेहनत करेंगे अपने खेत में पैदा करेंगे तो आढ़तीय लोग या जो मंडी में बिक्री करने वाले लोग वो लोग थोड़ी तय करेंगे कि आलू कौन सा बिकना चाहिए या ना बिकना चाहिए। आलू की क्वालिटी होनी चाहिए, मोटा आलू होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है। 37-97 वैरायटी बहुत बढ़िया वैरायटी है, मैं ख़राब नहीं कहूँगा, पर दोस्तों पैदावार वाली वैरायटी भी तो किसानों को करनी चाहिए जिसमें लागत कम लगे, जिसमें DAP कम लगे, जिसमें
जिसमें केमिकल कम लगे, और केमिकल कम लगेंगे तभी ज़मीन हमारी स्वस्थ रहेगी, ठीक है। और ऐसी वैरायटी हो जिसमें थोड़ी सी डीएपी डालकर ही काम चल जाए और आलू की पैदावार बहुत बढ़िया निकले, तो ऐसी वैरायटियों की तरफ हम लोगों को जाना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम लोग जब भी किसान अपनी ज़मीन को स्वस्थ रख पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रभाव है दोस्तों कि जो चीज़ें इस समय जो बायो की चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, माइकोराजा पसंद कर रहे हैं, और जो बायो प्रोडक्ट होते हैं बायो सीवीड एक्सट्रैक्ट पसंद कर रहे हैं लोग लेना, जागरूक हुए लोग, समझ रहे हो। और इसके बाद लोग बड़ा फायदे में हैं, और डीएपी ऊपर से बहुत लोग लगाते थे, लोगों ने लगाना बंद कर दिया, मेरे क्षेत्र में तो यहाँ पे बहुत बड़ा सुधार है। तो ये बहुत अच्छी पहल है एक, और इसके लिए हम लोग सब जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं काम। बाकी अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करा करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर तो दबा के किया करो जिससे सबको जानकारी मिलती चले। और लोग अब दुकानों पे जाके ब्रांडेड चीज़ों की मांग करते हैं, यही एक हमारा उद्देश्य है, और यही उद्देश्य हम धीरे धीरे करके अपना पूरा कर पाएंगे कि लोगों में जागरूकता आए, सभी किसानों में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, और सभी लोग अपनी खेती को बढ़िया तरह कर पाएँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन